लाखों की संख्या में कह लो क्या, करोड़ों की संख्या में कह लो, अरे की संख्या में कह लो, संख्या इतनी हो रही है गिनती में नहीं आवे, ठीक है, पब्लिक इतनी हो रही है सरकार की गिनती में नहीं आवे। मैं थोड़ी बार पहले कहूँ था 10,000 ट्रैक्टर, 10,000 तो आड़े खड़े हैं और 10,000 पाछे हैं, और मेरे ख्याल आंसू गैस के गोले शायद चाल गए, क्योंकि आँख शीशो में जलन लाग ली, चाल लिया आंसू गैस के गोले, यो निशानी आंसू गैस के गोले की पाया करे ज़्यादातर आप देखा दो, या जो निशानी है ज़्यादातर आंसू गैस के गोले की पाया करे, ये चल रहे आंसू गैस के गोले में कहूँ धापते हैं, ये देख सको आंसू गैस के गोले कितने किस प्रकार से चल रहे हैं, और किसान जो है यहाँ पर बैठ गए हैं, और कुंडली बॉर्डर पार करने की किसान आंदोलन खबर आई, कोशिश करी थी 7 बजे के दिन और तले कट रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जो किसान है अड़े इकट्ठे हो गए हैं, अरे सरकार की चूड़ ली है, केंद्र सरकार की जो है चूड़ ली है, लगातार नारेबाजी करने लग रहे हैं, हरियाणा पंजाब के किसान पूरे बढ़िया तरीके से इकट्ठे हो गए और सारे के सारे बैरिकेड तोड़ते हुए निकल दिए। ईब जो प्लानिंग बताई गई है अड़े तक अग भाई आंसू गैस के गोला बहुत प्रकोप हो रहा है भाई, अरे भाई जो ईबी प्लानिंग बताई गई है इनके लाखों करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए, ईबी आगे जाओगे दिल्ली के अंदर कुछ चालू करेंगे, पहले यो कुंडली बॉर्डर, फिर टिकरी बॉर्डर, मतलब हर एक बॉर्डर ने जो है तोड़ते हुए जाओगे, अरे आगे चालना आगे चाल के तुमने दिखावा, पुलिस फोर्स की बात कर लो, सुरक्षा बल की बात कर लो, कितनी संख्या में सुरक्षा बल पुलिस फोर्स खड़े हैं आप लोगों ने एक बार दिखाना चाहेंगे हम। आंसू गैस के गोले जो हवाई चलाए गए हैं ना, और एक बार सरसा में भी चले थे किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले, जब मैं वहां पे था पुलिस प्रशासन जो अपनी पूरी तैनाती के साथ यहाँ पकड़े, आप लोग देख सको एक बार भाई दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों ने किस प्रकार से जो है, ये देखिए कट कट के जो तार हो लगा दिए हैं यहाँ पे, और किसी प्रकार से जो किसान ना निकल पाओ इसकी सरकार की जो है पूरी तैयारी की गई है, चेतावनी सरकार की तरफ से SHO उत्तरी बाहरी जिला अलीपुर की तरफ से लगा दिए गए हैं, आप लोग देख सो दिल्ली पुलिस के बैरिकेड जो या बैरिकेडिंग है करी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। आंसू गैस के गोले मतलब ये भी यो कह सकते हाँ कि दिल्ली पुलिस ने जो हथियार अपने हाथ में ले लिया, मिलिट्री वगैरह सब यहाँ पर जो सूत्रा खबर आई है और जो सूत्रा खबर आई है अब भाई मिलिट्री वगैरह सब कुछ आ लिया और कांटे के तार लगा दिए, इसके बाद भी बैरिकेडिंग करी गई है, दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों ने कि इसके बाद भी जो है बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ तक सही तरीके से देख पाओगी बैरिकेडिंग जो है, ये जो शेल देख सको भाई आप लोग आंसू गैस के गोले के जो शेल हैं वो हाँ, और आप आए एक बैरिकेड जो पार करके आगे हैं, अरे देख सको हो सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी है लगातार तैनात करी गई है, और पब्लिक दिखाना चाहूँगा बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में जो है पब्लिक यहाँ पर पहुँचे हैं, हरियाणा पंजाब के किसान जो यहाँ पर पहुँचे हैं, देख सको हो मिलिट्री भी तैनात और सारे के सारे सुरक्षा बल जो हैं वो भी तैनात है, दिल्ली पुलिस भी तैनात है, वाटर कैनन की अगर हम बात करूँ तो वाटर कैनन देख सको हो सामने खड़ी है, और आंसू गैस के गोले दागने मशीन भी खड़ी है, और हर एक प्रकार की व्यवस्था जो है प्रशासन करके बैठा है दिल्ली का प्रशासन, लेकिन भाई गन्नौर में जितना बड़ा नाका था उस हिसाब से तो ये नाके इतने बड़े दिखते नहीं, गन्नौर के नाके हिसाब से नाके कुछ भी नहीं है, जब गन्नौर का नाका टूट सका है तो सब कुछ टूट सका है, हम ही कहेंगे जब गन्नौर का नाका अगर टूट सकता है तो ये नाका एक जो किसान है वो कुछ नहीं किसानों के लिए, आप लोग देख सको जो दिल्ली पुलिस की फोर्स है वो पूरी पूरी लगा दी गई है, दिल्ली पुलिस की फोर्स जो है लगा दी गई है, आप लोग देखो फिलहाल कैमरे में लाइव तस्वीरों के माध्यम से कुंडली बॉर्डर जो है पूरा सील कर दिया, और दिल्ली पुलिस ने जो है पहली बार जो है यहाँ पे किसान आंदोलन में चार्ज ले लिया अपने हाथ में, हरियाणा पुलिस से किसान जो निकल गए, कैमरा मैन तो कहूँगा इधर आ गए एक बार दिखाओ संख्या कितनी हो रही किसानों की, आप लोग खुद ही बता दो कितनी संख्या है, देख सको आप लोग
किस प्रकार तक इतनी बड़ी संख्या में जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं, खड़ी हैं। और अभी की अगर हम बात करूँ पानीपत से मैं आया हूँ, कम से कम 10,000 ट्रैक्टर जो हैं पीछे पानीपत में हैं अभी, और जो चल रहे हैं चढ़ूनी जी के साथ, चढ़ूनी जी के आगे पीछे कुछ भी तो खाना खाने लग रहे हैं, खाना बनाने लग रहे हैं रस्ते में। आगे की जो कवरेज हो आपने दिखाते रहोगे, और इसी के साथ आप प्लेन भी चाल के दिखाओगे। आईवा जो है मिट्टी के भरे हुए आईवा जो वहाँ पर तैनात है, यहाँ पे डेस्क हो, जो सारे के सारे पुलिस अधिकारी है वो भी मौजूद हैं, और सारे के सारे जो जवान है वो भी दिल्ली पुलिस के मौजूद है। डेस्क हो, ये ट्रक जो है लगा दिए गए, ये ट्रक जो है माटी के भर का लगा दिए गए हैं, ये देखो माटी के भर का लगा दिए ताकि हिल ना पावे। पहले भी ये कोशिश जो करी गई थी और अब दोबारा फिर यह कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से कैसे हम करी जान लग रही है, और चेतावनी आदेशानुसार से जो अलीपुर की तरफ से लगा दी गई है। ठीक है भाई, ये थे जो कुंडली बॉर्डर है वहाँ क्या हालात है, आगे सिंध बॉर्डर की तरफ भी जाऊँगे, देखेंगे आगे के क्या कुछ हालात है। एक एक बात मैं कहनी भूल गया, जय जवान जय किसान, लेकिन अरे तो जवान और किसान का आमना सामना हो लिया है। सीआरपी के जवान जो आप लोग देख सको फिलहाल मेरे सामने, सीआरपी के जवान हैं ये आप लोग देख सको, और यहाँ पर लगा दिए जय जवान जय किसान का नारा होता है, लेकिन वो नाराज टूट तो है दिख रहा है क्योंकि जवान और किसान सरकार ने जो है आमने सामने कर दिए। तो भाई ये देख, मैंने पीछे दिखाया था अर्थात कितने तगड़े इंतजाम हैं, दो दो बैरिकेडिंग करी गई है, ट्रक अड़ा दिया, हाईवे अड़ा दिए, सारा का सारा जोर जो है प्रशासन लगाने लग रहा है, सरकार लगाने लग रही है, लेकिन किसान जो है ये पूरी बड़ी संख्या में आप लोग देख सको कितनी बड़ी संख्या में जो है किसान यहाँ पर मौजूद है। तो मैं पाछे ही जाकर दिखाऊंगे, जड़े थी देखाएंगे, उड़े थी ट्रैक्टर 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 ट्रैक्टर, किसान है किसान भाई भाई। तो भाई फिलहाल एक बार आप हम पाछे जाके दिखाओगे, बोलो मर्द अथरू गैस मत छोड़ो, ये खुसरियों की बरात है क्या बहन चोद, इनको बोलो अथरू गैस मत छोड़ो, हाथों हाथों आके देख लें, हाथ कर ले। दिल्ली पुलिस ने पहली बार अपना चार्ज अपने हाथ में चार्ज लिया, चार्ज क्या है वो साले पागल है, वो अथरू गैस नहीं छोड़े देखे हाथ हम लोग, किसान लोग कमाल में पड़ जाएगा, इनको पीछे भी छोड़ी गई है, वहां तक भी निकला है, यहाँ भी निकलेंगे, फिर वेट किस चीज का निकलेंगे, पीछे से हमारा आदमी आ रहा है, लीडर लोग आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, हां निकालेंगे, निकल के दिखाएंगे, देख कर दब क्या बना हो रहा है, एक घंटे निकल जाओगे, घंटा कुछ भी नहीं है, मर जा बंदा आ जाने दे, बहुत आदमी आएंगे, हाथों से सब कुछ छीन लेंगे, इनका इनके हथियार हाथों से छीनेंगे हम लोग, अच्छा हाँ हाथों से लेंगे, गलत प्रयोग तो नहीं करोगे उसका, करने का करना पड़ेगा ना, जब वो लोग थाले नहीं छोड़ रहे, तो पीछे चलते हैं भाई एक बार, आप पीछे चल के दिखाओगे जो सारे के सारे तैयारियां है वो किस प्रकार की है, किसानों की सरकार की तो तैयारी मैंने दिखा दी था, अर्थात सरकार तो कुछ तैनात खड़ी है, सरकार तो कुछ तैनात खड़ी है, जवान ना और किसान ना आमने सामने करने में सरकार जो है तैनात खड़ी है। देख सको ट्रैक्टर जो है पीछे लगा दिया, अरे सिर्फ अपने आदमी ही बैठने की जगह, मतलब एक नूनी क्या करे, मैनेजमेंट कैसी है, व्यवस्था कैसी है, किसान जो भाई बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप लोग देख सको बढ़िया मैनेजमेंट करके किसान जो है अपनी चाल रहे हैं, और हर प्रकार से तैयार होकर किसान भी आ रहे हैं, जो सूत्रात हमने खबर आई है, और बल की अगर जरूरत पड़ेगी तो बल का भी जरूरत पड़ेगी, किसानों ने बल भी जरूरत में ले आओगे ये, ऐसा किसाना का कहना है। और आप लोग देख सको हो किस प्रकार तक सारे के सारे किसान यहाँ पर बैठे हैं, और ट्रोलिया में बैठे हैं भी चाय पानी जो हो लेने लग रहे हैं। फिलहाल की अगर हम बात करूँ तो भाई टाइम जो है 12:30 टाइम हो लिया, और किसान देख सको तुम कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, कुंडली बॉर्डर पर देख सको अभी पीछे तक किसान जो है आने लग रहे हैं, पीछे 1.5 किलोमीटर लंबी जो है लाइन लग रही है, इसमें ट्रैक्टर खड़े कर करके किसान आने लग रहे हैं। ठीक है भाई, मैंने पाछे तीर्थ दिखाया कितने ट्रैक्टर हैं, कितने किसान हैं, क्या कुछ है सारा का सारा, इस वीडियो ने कर दिया शेयर, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय किसान।